हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक मंथली रीडिंग होगी टॉरस के लिए, टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। जुलाई मंथ कैसा रहेगा हम चेक करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपकी पर्सनल लाइफ को बाद में चेक करेंगे, हम जनरल लाइफ को चेक करेंगे यानी कि आपकी जॉब बिजनेस करियर को, उसके बाद में आपकी पर्सनल लाइफ चेक करेंगे यानी कि आपकी लव लाइफ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपनी स्टूडियो को याद कर लीजिए। चलिए गाइस, जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताते हैं, क्या होने वाला है जुलाई में टॉरस के लिए। बताइए यूनिवर्स, क्या होने वाला है जुलाई माह में, क्या होगा करियर, फाइनेंस को लेके, बिजनेस को लेके, क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, चलते हैं हम। फर्स्ट वी हैव स्टार। देखिए गाइज, मैं शफल कर रही थी तब ये पलट के आया था कार्ड, अगेन वही कार्ड आया है। ठीक है, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइज, लेट मी क्लैरिफाई, स्टार क्यों है यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। द म्यूजिशियन, ओके, बॉटम में देखिए सेवन ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आपकी लग रही है कि आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं। आपका फाइनेंस और करियर कैसा रहेगा जुलाई माह में। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है गाइस कि आपको बहुत बहुत आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप अगर अपनी बिजनेस करियर या जॉब को लेकर स्टेबिलिटी आपकी जीवन में नहीं थी तो वो स्टेबिलिटी आने वाली है। देखिए दो दो कार्ड यानी कि फर्स्ट 10 डेज में आपको इस बात की भनक लग जाएगी या फिर इस बात की कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी मालूम चलेगी कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ है, जो भी कुछ चल रहा है उसमें एक स्टेबिलिटी आने वाली है, जॉब करियर और फाइनेंस को लेके। डेफिनेटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है। आप जो भी कर रहे हैं या कोई नया स्टार्ट किया है आपने तो डेफिनेटली, या फिर अगर स्टार्ट नहीं हुआ है आपका तो डेफिनेटली होने वाला है क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी भी है गाइस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपके कोई स्टेबिलिटी, कोई ऐसा काम आपको मिलेगा जो कि आपकी लाइफ को थोड़ा स्टेबल कर देगा। अगर अनबैलेंस आपके फाइनेंस करियर हो रहे हैं तो डेफिनेटली वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ आपकी होने वाली है और कहीं ना कहीं आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। मुझे लगता है कि देखिए ओवरऑल एनर्जी से ये मालूम चल रहा है कि आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जीवन में आपको बहुत सारे गोल्स हैं उनको अचीव करें, लेकिन जुलाई माह की रीडिंग कर रहे हैं तो जुलाई में आपको कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर, ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी जो कि आपको दिल को पसंद है या आपको हील कर देगी। यानी कि जिस बात की आप आशा करते हैं वो आपकी आशा पूरी होने वाली है। एक विश है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो वो मिलेगी आपको। स्टार कार्ड यानी कि सबसे पहला कार्ड ही हीलिंग का आया है, विश पूरी करने का आया है, तो डेफिनेटली आपकी पूरी माह में जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई नजर आएगी या फिर आप उसको उसकी और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। डेफिनेटली ये फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है जो कि आपको बता रही है कि आप जो भी कर रहे हैं, जो बिजनेस करियर या जॉब है तो आपको एक नई जॉब मिल सकती है जो कि आपको स्टेबिलिटी देगा आपके फाइनेंस और करियर में। अगर नए बिजनेस है तो नया बिजनेस स्टेबिलिटी की ओर जाएगा, और करियर कहें तो आपका बहुत अच्छा करियर होने वाला है, स्टेबिलिटी आपके करियर में आने वाली है। मिडिल 10 डेज कैसे रहेंगे, अगेन जैसे कि मैंने कहा आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। मिडिल 10 डेज में मुझे लगता है कि आपको कोई ऑफर आने वाला है जिसकी चाह आपको थी। आप बहुत दिन से अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं, कुछ काम अच्छा नहीं चल रहा, जॉब अच्छी नहीं है, उसको बेमर्जी कर रहे हैं यानी कि बिना मन से कोई काम कर रहे हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता। अब आपको एक ऐसा ऑफर आने वाला है जो कि आपके मन मुताबिक होगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जो भी आप बोरिंग लाइफ से उठ जाएं, बोरिंग लाइफ से हटके आप एक ऐसी लाइफ जियेंगे जो कि आपके पसंद का काम जिसमें होगा। ठीक है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ आपका सॉर्ड्स की एनर्जी गाइस। थ्री ऑफ सॉर्ड्स से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी थ्री ऑफ सॉर्ड्स बहुत, एक या दो दिन आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी बात को लेके आपका दिल दुखी हो सकता है, किसी चीज को लेके आपका दिल दुखी हो सकता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी के विचार आपसे नहीं मिले, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन ओवरऑल आप मैजिशियन की एनर्जी में है यानी कि ये देखिए गाइस,
ये इसके प्रभाव को कम करता है। जब भी कोई मेजर आर्कान आता है तो वो जो माइनर आर्काना है उनकी एनर्जी को ले लेता है, यानी कि आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं और कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, वो आपको अपने आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो उस वजह से जो भी किसी ने कुछ कहा होगा या कहा सुनी किसी से हो सकती है, या फिर किसी ने कुछ आपके हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में है तो बिल्कुल उससे बाहर आने वाले हैं। किसी ने आपसे बातचीत के दौरान कुछ कमेंट कर दिया, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन थ्री ऑफ सॉर्ड्स बहुत एक या दो दिन के लिए आपके लास्ट टाइम में, यानी कि जुलाई के लास्ट में ऐसा होने वाला है, लेकिन आप उससे बाहर निकल जाएं क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में, ये इसके पावर को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपका जनरल लाइफ यानी कि जॉब करियर को लेकर आपको बहुत बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी सिचुएशन आपसे मिल रही है या नहीं, रीडिंग आपसे मैच हो रही है या नहीं। अब चलते हैं आपकी लव लाइफ को लेके। ठीक है, हाय टॉरस, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी हम चेक कर लेते हैं। यूनर्स बताएं जिनकी भी राशि वृषभ है उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है जुलाई माह में। ठीक है गाइस, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप प्लीज टुडे को याद कर लीजिए। ठीक है, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, सब सबके लिए रीडिंग है गाइस। ओके, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम तो अनमैरिड हैं हम तो मैरिड हैं, ऐसा कुछ भी कमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, ये रीडिंग सबके लिए बनाई है मैंने, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं, मेल फीमेल। चलिए चेक कर लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, फर्स्ट वी हैव सेवन ऑफ कप्स, ठीक है, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ओके, द हैंगमैन, मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती हूँ गाइस, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइज। यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं या तो उनके पास ऑप्शन है या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप अपने लाइफ में हैंग बने हुए हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते, यानी कि आप सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हैं, चीज़ों को करने के अलावा आप एक्शन नहीं लेते, सोच विचार ज़्यादा करते हैं। आपकी किसी से फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपको बहुत सारे ऑफर आएंगे, आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन है लव लव को लेके गाइज। आप मैरिड हैं, अनमैरिड सबके लिए गाइज, तो आपके पास एक ऑफर या बहुत सारे ऑफर आपके पास होंगे, यानी कि किसको प्रायोरिटी दें आपको ये समझ नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं आप पॉज ले लेंगे चीजों से, कुछ सोच विचार करेंगी किस ओर जाऊं, किस चीज को अपनाऊं, किस किस पर्सन के पास जाऊं, ये आपको लगेगा। यानी कि ऑप्शन आपके पास बहुत है, करने के लिए बहुत कुछ है, लव लाइफ में आपके बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। या फिर ये भी हो सकता है इस कार्ड का मतलब, सेवन ऑफ कप, बहुत सारे ड्रीम्स आप किसी के बारे में देख रहे हैं, अपनी लव लाइफ को देखिए, आपने बहुत सारे प्लानिंग करे हैं, कहीं ट्रिप पे जाना है उसकी प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और डीप सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं कि किस तरह का क्या प्लान चल रहा है, यानी कि कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि आप कहीं वीकेंड में जा रहे हैं उसकी प्लानिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो मुझे बता जरूर बताइएगा। आपके पार्टनर के साथ आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उनको बहुत सारे गिफ्ट देना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं उनके बारे में, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आपकी किसी से कहा सुनी अपने पार्टनर से हो सकती है। यहाँ पे आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ आपके विचार नहीं मिल रहे होंगे, ये सोर्ड्स की एनर्जी बहुत कम दिन की होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये आपके पास कोई ऑफर लेके आने वाले हैं या फिर आप किसी के पास ऑफर लेके जाने वाले हैं, आप उनको एक ऑफर देंगे ट्रिप पे जाने का या डेट पे जाने का, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और अपनी फीलिंग्स उनको बताएंगे। डेफिनेटली कोई झगड़ा है तो उसको खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एक बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, आप अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे, चाहे आपको किसी से भी कुछ भी सुनना पड़े लेकिन आप कह के जरूर मानेंगे, चाहे अदर जो पार्टनर है आपका शायद उस आपको रिजेक्ट कर दे, कुछ कहा सुनी आपकी हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पे लग रही है कि बहुत कम ऐसा होगा कि आपकी बात को कोई रिजेक्ट कर दे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है गाइज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप सेलिब्रेट करते हो, अगेन मुझे नजर आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन थोड़ी दुविधा में, आप चाहते हैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आप उनके साथ आगे बढ़ें, एंगेजमेंट का तक का सोचें, क्योंकि कार्ड जो होता है एंगेजमेंट का कार्ड भी होता है। थ्री ऑफ कप्स, आप जुलाई माह में कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो उनको एक ऑफर देना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे एंगेजमेंट का लग रहा है, या कोई रिंग ऑफर करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है,
लेकिन आप थोड़ी सी दुविधा में हैं, उस दुविधा से शॉर्ट्स की एनर्जी कम दिनों की होती है, जो आपकी लाइफ लव लाइफ में जो बोरिंग टाइम चल रहा है उससे बाहर आना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं। एक बोरिंग पीरियड आपने झेला है, कोई बीमार था या फिर ऐसा सिचुएशन चल रही थी कि आप दोनों स्टक फील कर रहे थे, कुछ चाह कर भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में नयापन चाहते हैं। अपनी अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो डेफिनेटली आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए और उनको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में, यानी कि आप उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई नई चीज़ गिफ्ट में देना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे अब लग रही है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप किसी के ऑफर को, किसी को ऑफर देना चाहते हैं, किसी को चूज़ किया आपने मनी मन और उसके बारे में आप किसी को ऑफर देना चाहते हैं, आप एक रिस्क लेना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उधर से आपका जवाब ना आता है हाँ आता है, इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन आप फिर भी एक ऑफर उनको देना चाहेंगे क्योंकि आप उनके साथ एक डेट पे जाना चाहते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। तो जुलाई माह की एनर्जी इस तरह की है, आप अपने पार्टनर के साथ कुछ कुछ दिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यहाँ पे मेन एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपसे मैच होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।